आज का सवाल पूछते हैं अजय कुमार। अजय कुमार कहते हैं, सर साक्षी भाव का मतलब क्या होता है? साक्षी भाव पर एक वीडियो बनाइए। देखिए, हमारे जीवन के चार आयाम हैं, भाव, बुद्धि, शरीर और ऊर्जा। योग में जीवन के हर आयाम से जुड़ा एक मार्ग है। भावों से जुड़ा भक्ति योग, बुद्धि से जुड़ा ज्ञान योग, शरीर से जुड़ा कर्म योग और जीवन ऊर्जा से जुड़ा क्रिया योग। ये चारों आयाम हमारे आध्यात्मिक सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साक्षी भाव एक तत्व है हमारे भीतर दर्शन का, दृष्टि का, दृष्टा का, देखने का। हम देख रहे हैं, हम जांच रहे हैं। वह जो देख रहा है वही है साक्षी भाव। जो दिखाई पड़ रहा है वही तो जगत है। जो देख रहा है वही मैं हूँ और जो दिखाई पड़ रहा है वही जगत है। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा किसको अनुभव होता है? मैं मन नहीं हूँ ऐसा किसको अनुभव हुआ है? ऐसा कौन है जो इनकार करता है कि मैं यह नहीं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, नहीं मैं यह नहीं हूँ। साक्षी दो शब्दों से मिलकर बना है, सा और आक्ष। सा अर्थात सहित, आक्ष अर्थात आंख, साक्ष अर्थात आंख सहित, देखने वाला, जानने वाला। यानी हमारे भीतर ऐसा कौन सा तत्व है जिसके चित्त में, जिसके नजरिए में, जिसके देखरेख में सब कुछ हो रहा है? उस तत्व का हमें ज्ञान ही नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष हमें दिखाई पड़ता है, शाखाएं दिखाई पड़ती हैं, फूल पत्ते दिखाई पड़ते हैं, फल लग जाते हैं वे दिखाई पड़ते हैं, जड़े हमें दिखाई नहीं देती, जड़े अंधेरे में छिपी हैं, लेकिन वहीं से वृक्ष रस ले रहा है। ठीक उसी तरह आजकल के आध्यात्मिक लोग भी हैं। आपका ध्यान फैलता है चारों तरफ, जगत का बड़ा वृक्ष निर्मित हो जाता है, लेकिन जहां से ध्यान निकलता है, जिस स्रोत से, जिस चैतन्य के सागर से निकलता है, उस तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है। उन जड़ों का भी बोध साथ साथ होने लगे, एक साथ आपको दोनों बात दिखाई पड़ने लगे, वही तो साक्षी भाव है। देखने वाला सदा ही अलग है उससे जो दिखाई पड़ता है। देखने वाला कभी भी दृश्य के साथ एक नहीं है। देखने वाला सदा ही दिखाई पड़ने वाले से भिन्न है। मैं आपको देख रहा हूं क्योंकि मैं आपसे भिन्न हूं। जो भी दिखाई पड़ता है वह आपसे भिन्न है। उसको ही अपने से अभिन्न समझ लेना आध्यात्म है। जिसको आप देख रहे हैं उसके साथ इतने मोहित हो जाना कि लगने लगे यह मैं ही हूं, यही भ्रांति है। आपको इसी भ्रांति को तोड़ना है और अंततः उस तत्व को खोज लेना है जो सदा ही देखने वाला है और कभी दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, मैं मानता हूं यह थोड़ा कठिन है। जो देखने वाला है वह कभी दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह किसको दिखाई पड़ेगा? आप इस जगत की सारी चीजों को देख सकते हैं सिर्फ अपने आप को छोड़कर। आप अपने को कैसे देखिएगा? क्योंकि देखने में दो की आवश्यकता पड़ती है, जो देखे और जो दिखाई पड़े। आप सब कुछ देख सकते हैं, सिर्फ अपने भर को आप नहीं देख सकते। किसी चिमटे से आप उसी चिमटे को पकड़ने की कोशिश करने लगे तो क्या यह संभव है? आप उस चिमटे से सब पकड़ सकते हैं, सिर्फ उसी चिमटे को पकड़ने की कोशिश असफल हो जाएगी और तब बड़ी मुश्किल होगी कि यह चिमटा भी कैसा पागल है, सब कुछ पकड़ लेता है तो अपने को क्यों नहीं पकड़ पाता। हम इस संसार में सब कुछ देख रहे हैं, अपने को नहीं देख पा रहे हैं और न कभी देख भी पाएंगे। और जिसको भी हम देख लेंगे, जान लेंगे, वह हम नहीं है। तो जिस चीज को भी आप देखने में समर्थ हो जाएं, आप समझ लेना कि इतनी बात तय हो गई कि यह मैं नहीं हूं। क्योंकि आदमी अगर ईश्वर का दर्शन कर ले तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप ईश्वर नहीं हैं। आपको अपने भीतर प्रकाश का दर्शन हो जाए तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप प्रकाश नहीं हैं। आपको अपने भीतर आनंद का अनुभव हो जाए तो समझ लेना कि आप आनंद नहीं हैं। जिस चीज का भी अनुभव हो जाए वह आप नहीं हैं। आप तो वही हैं जिसको अनुभव होता है। तो जो भी चीज अनुभव बन जाती है उसके आप पार हो जाते हैं। इसलिए एक कठिन बात समझ लेनी होगी कि अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है। दुनिया में सब चीजें अनुभव हैं, अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है। अध्यात्म तो उसकी तरफ पहुंच जाना है जिसको सब कुछ अनुभव होता है और जो स्वयं कभी अनुभव बन ही नहीं सकता, वह अनुभोक्ता है, साक्षी है, दृष्टा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आपको मैं देखता हूं, उधर आप हैं और इधर मैं हूं। उधर आप हैं जो दिखाई पड़ रहा है, इधर मैं हूं जो देख रहा है। ये दो हैं, एक नहीं है। अपने को बांटने का कोई उपाय नहीं है कि मैं अपने को दो टुकड़ों में कर लूं।
ताकि एक देखे और एक दिखाई पड़े। अगर मेरे दो टुकड़े हो जाएं, तो जो टुकड़ा देखेगा वही मैं हूं और जो टुकड़ा दिखाई पड़ेगा वह मैं नहीं रहूंगा। वह बात समाप्त हो गई, वह मुझसे टूट गया, वह अलग हो गया। उपनिषद की व्यवस्था प्रक्रिया विधि यही है। जो भी दिखाई पड़ जाए कहो कि यह मैं नहीं हूं, जो भी अनुभव में आए कहो यह भी मैं नहीं हूं, और पीछे हटते जाओ तब तक हटते जाओ जब तक कि कोई भी चीज इनकार करने को बाकी न रहे। तब एक ऐसी घड़ी आती है जब दृश्य खो जाते हैं, एक ऐसी घड़ी आती है सब अनुभव गिर जाते हैं। काम वासना का अनुभव तो गिरता ही है, ध्यान का अनुभव भी गिर जाता है, संसार के राग द्वेष के अनुभव तो गिर ही जाते हैं, आनंद समाधि इनके भी अनुभव गिर जाते हैं। बचा रहता है तो सिर्फ देखने वाला, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सब शून्य हो जाता है, चारों तरफ शून्यता की अवस्था आ जाती है। रह जाता है केवल देखने वाला और चारों तरफ रह जाता है खाली आकाश। बीच में खड़ा रह जाता है दृष्टा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसने सब इनकार कर दिया, जो भी दिखाई पड़ता था हटा दिया मार्ग से। अब उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता, हटा दिए सब अनुभव। अब बचा रहा अकेला जिसको अनुभव होता था। जब कोई भी अनुभव नहीं होता और कोई दर्शन नहीं होता और कोई दिखाई नहीं पड़ता और कोई विषय नहीं रह जाता, और जब साक्षी अकेला रह जाता है, तब कठिनाई है भाषा में कहने की कि क्या होता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव के सिवाय कोई शब्द नहीं है। इसलिए इसे हम कहते हैं आत्म अनुभव, लेकिन अनुभव शब्द ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि चेतना का अनुभव ही ब्रह्म अनुभव है, लेकिन कोई भी शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव उसी दुनिया का शब्द है जिसको हमने तोड़ डाला है। अनुभव उस द्वैत की दुनिया में अर्थ रखता है जहां दूसरा भी था। यहां अब कोई अर्थ नहीं रहता, यहां सिर्फ अनुभोक्ता बचा है, यानी साक्षी बचा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ईश्वर की तलाश आध्यात्म नहीं है। पुराने योग सूत्रों ने ईश्वर की चर्चा ही नहीं की, बात ही नहीं उठाई, कोई जरूरत न थी। बाद में योग सूत्रों ने ईश्वर की चर्चा भी की तो उसको भी एक आध्यात्म की खोज का साधन कहा, साध्य नहीं। उसे भी कहा कि यह साधना में सहयोगी होता है, इसलिए ईश्वर को मान लेना अच्छा है। ईश्वर एक उपकरण है, ईश्वर भी एक विधि है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए बुद्ध और महावीर ने ईश्वर को इनकार कर दिया, उन्होंने दूसरी विधियां खोजी। उन्होंने कहा इस विधि की कोई भी जरूरत नहीं, अगर विधि ही ईश्वर है तो फिर दूसरी विधियों से भी काम चल सकता है। लेकिन बुद्ध और महावीर भी साक्षी को इनकार नहीं कर सके। आप ईश्वर को इनकार सकते हैं, सब कुछ इनकार किया जा सकता है, लेकिन आध्यात्म की जो आधारशिला है वह साक्षी है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे ईसाइयत, चाहे इस्लाम, चाहे हिंदू, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, उन सब में एक बात आप खोज लेना, अगर किसी भी धर्म में साक्षी की कोई बात हो तो समझना कि वह धर्म है, अगर साक्षी की बात ही ना हो तो समझना कि उसका धर्म से कोई भी संबंध नहीं है और सब बातें गौड़ हैं। सभी बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन साक्षी के मामले में मतभेद नहीं हो सकता, इसलिए सभी धर्म साक्षी को मानते हैं। इसलिए अगर किसी दिन दुनिया में धर्म का विज्ञान निर्मित होगा तो उसमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मा इन सब की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये सब स्थानीय बातें हैं, कोई धर्म मानता है, कोई धर्म नहीं मानता, लेकिन साक्षी की चर्चा जरूर होगी, चाहे वह धर्म कोई भी हो, क्योंकि साक्षी स्थानीय घटना नहीं है। बिना साक्षी के धर्म ही नहीं हो सकता, तो साक्षी भाव एक वैज्ञानिक आधारशिला है। इस साक्षी भाव पर ही सारे उपनिषद घूमते हैं, सारे सिद्धांत और सारे इशारे इस साक्षी को दिखाने के लिए ही हैं। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, मैं बोल रहा हूं तो आपका ध्यान मेरे बोलने पर लगा है, इसको आप दोहरा तीर बना ले, या दोहरा तीर अभी इसी वक्त भी बन सकता है। जब मैं बोल रहा हूं तो आप केवल मैं जो बोल रहा हूं वही ना सुने, आपको यह भी स्मरण रहे कि मैं सुन रहा हूँ, बोलने वाला कोई और है, वह बोल रहा है, मैं सुनने वाला हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप एक क्षण को भी यही दोनों बातें एक साथ कर लें, सुने भी और सुनने वाले का स्मरण भी रहे, ये दोनों एक साथ आपकी चेतना में झलक जाएं, तत्क्षण आपको साक्षी का अनुभव हो जाएगा कि साक्षी क्या है। साक्षी वह है जो इन दोनों को देख रहा है, और आप जब थोड़ा भीतर प्रवेश करेंगे, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, साक्षी वह है जो दोनों का अनुभव कर रहा है कि बोला जा रहा है, सुना जा रहा है। जब आपकी चेतना का तीर दोहरा हो जाता है तो तत्क्षण आप तीसरे बिंदु पर खड़े हो जाते हैं। मैंने बोला या एक बिंदु हुआ,
साधारणता आपका ध्यान इसी पर लगा रहता है। आपने सुना भी, आप सुनने वाले हैं, ऐसी भी आपको प्रतीति हुई, एहसास हुआ, अनुभव हुआ, यह दूसरा बिंदु हो गया। यह दूसरा बिंदु पाना बहुत कठिन है। अगर यह दूसरा बिंदु आपको मिल जाए तो तीसरा बिंदु पाना बहुत सरल है। वह तीसरा बिंदु यह है कि बोलने वाला है और सुनने वाला है, फिर आप कौन है भीतर जो कि दोनों का अनुभव कर रहा है, वह कौन है। अगर यह दूसरा बिंदु आपको मिल जाए तो तीसरा बिंदु पाना बहुत सरल है। वह तीसरा बिंदु ही साक्षी है, इस तीसरे के पार नहीं जाया जा सकता। यह तीसरा बिंदु आखिरी बिंदु है और यह है त्रिकोण जीवन का। दो बिंदु विषय और विषयी और तीसरा बिंदु दोनों का साक्षी, दोनों का अनुभव करने वाला, दोनों को देख लेने वाला, दोनों का भी गवाह, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। आशा करता हूं आप साक्षी भाव को समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।